दोस्तों शाहरुख खान की डंकी और प्रभास की सलार फिल्म की बॉक्स ऑफिस पे एक दूसरे से भिड़ंत होने जा रही। ये दोनों ही 22 दिसंबर को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। फिल्म के नए पोस्टर में प्रभास रफ लुक में दिखाई दे रहे और उनके हाथ में तलवार भी दिख रही। ये अगस्त्य नाम के एक गैंगस्टर के बारे में है जो पहले बड़ा क्रिमिनल हुआ करता था, मगर उससे एक गलती हो गई जिसकी वजह से वह हिंसा छोड़कर अज्ञात वास में चला गया, मगर वो एक बार फिर क्राइम की दुनिया की तरफ लौटता है। बताया जा रहा कि सलार का प्लॉट यही है। इस कड़ी में राजकुमार हिरानी की डंकी फिल्म को सामाजिक मुद्दे की फिल्म बताया जा रहा। आपको बता दे डंकी दरअसल एक कोड वर्ड है जिसका मतलब है डंकी फ्लाइट्स, यानी इलीगल इमिग्रेशन, अवैध तरीके से अप्रवासियों का सीमा पर जाना। लोगों का कयास है कि सलार कमाई के मामले में डंकी को पछाड़ देगी। देखना यह है कि फिल्म एक्सपर्ट के यह अंदाजे कितने रंग लाते हैं। वीडियो के अंत में हम चाहेंगे कि आप भी हमें कमेंट्स में अपनी राय दें। दोस्तों सलार और डंकी को लेकर फिल्म मार्केट इन दिनों गर्म है। दोनों फिल्मों को लेकर सिने प्रेमियों की अलग अलग राय है, लेकिन क्या दोनों फिल्मों का एक दूसरे से कंपेयर करना सही है? आपको क्या लगता है, सामाजिक इमोशन और एक्शन मूवी का आकलन किया जा सकता है? सूत्रों का कहना है कि सलार मूवी में एक्शन रोमांस कूट कूट कर भरा गया है, जबकि डंकी इसके ठीक विपरीत एक सामाजिक फिल्म है जिसमें कॉमेडी का भरपूर तड़का है। ऐसे में इन दोनों फिल्मों की तुलना करना क्या अच्छी बात है? कहा जाए तो एक्शन मूवी कमाई के रिकॉर्ड बनाती है, जबकि कॉमेडी या सामाजिक फिल्में ऐसा नहीं कर पाती। आपको बता दें भारत देश में छोटे तबके के लोग एक्शन मसाला फिल्मों को ही तुरंत अहमियत देते हैं। इस हिसाब से तो डंकी पर सलार फिल्म भारी पड़ेगी, लेकिन डंकी फिल्म को इतने हल्के में लेना ठीक बात नहीं। यह फिल्म जिस टॉपिक पर बेस्ड है वह अंतर्राष्ट्रीय फिल्म व्यापार में अच्छी कमाई कर सकती है। इस टॉपिक की वजह से ही यह अमेरिका, अरब, यूरोपीय देशों में खूब कमाई कर सकती है, क्योंकि डंकी फ्लाइट्स इन देशों की एक समस्या है। ये वजह ही सलार को डंकी के सामने डाउन कर सकती है। अफवाह तो यह भी है इस ओवरसीज मार्केट में डंकी 1000 करोड़ का बिजनेस तो पलक झपकते ही कर लेगी। आपको याद ही है कि जवान और पठान ने ओवरसीज मार्केट में कितना धांसू कलेक्शन किया था। शाहरुख खान का करिश्मा और डंकी का टॉपिक कमाई का एक नया इतिहास रच सकता है जो सालों तक ध्वस्त नहीं होगा। दूसरी तरफ प्रभास को एक बड़ा स्टार मानना थोड़ा संदिग्ध है, क्योंकि उनके फैंस को यह बात पता होनी चाहिए कि साउथ में शाहरुख की जवान ने 200 करोड़ कमाए थे, जबकि बाहुबली का कलेक्शन इतना नहीं था। आप खुद सोचिए कि शाहरुख खान और प्रभास की तुलना हो भी कैसे सकती है। दोनों का अपना अपना जोन है। केजीएफ को याद कीजिए जिसने 500 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था, लेकिन यह सब शाहरुख खान की स्टारडम के कद को नहीं छू पाए, क्योंकि एसआरके को स्टारडम थाली में परोसा हुआ नहीं मिला, बल्कि यह स्टारडम उन्हें 30 सालों की कड़ी मेहनत के बाद मिला है। उनकी फिल्मों के फ्लेवर साउथ की फिल्मों की तरह एक रास्ता का शिकार नहीं है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री का एक ही तरह का एक्शन क्या शाहरुख के डिफरेंट फिल्म कैरियर की बराबरी कर सकता है? एक्शन फिल्मों की अधिकता भी एक्शन टॉपिक को आगे चलकर बोर कर देगी। प्रभास को एक जैसी फिल्मों से बचते हुए नए नए सब्जेक्ट पर काम करना होगा। यह बात हंसने वाली है कि जो 4-5 साल से फिल्मों से दूर रहा वो आते ही आपको 1000 करोड़ का बिजनेस दे देगा। बेशक ये प्रभास के लिए नामुमकिन सी बात होगी, क्योंकि साउथ हर साल कोई ना कोई नया एक्टर खड़ा कर देता है। जैसे यस, केजीएफ के अलावा इनकी दूसरी मूवीज के बारे में लोग जानते भी नहीं होंगे। जब इन्हें पब्लिक ने भुलाने में देर नहीं करी तो प्रभास का मामला तो और अलग है। राधे श्याम मूवी का हाल तो आप सबको याद होगा। दोस्तों सिर्फ एक्शन के बल पर ही फिल्मों का दारोमदार नहीं चलता, ये अल्प अवधि साबित होते हैं। प्रभास ने जो स्टारडम बाहुबली के दम पर हासिल किया था उसकी चमक अब धीरे धीरे मंद पड़ चुकी है, जबकि ये दौर अब नए नए टॉपिक का है। इसलिए कहा जाएगा कि सलार और डंकी की तुलना आपस में करना ठीक बात नहीं। इस सच्चाई को सिने दर्शक खूब समझते हैं। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? कमेंट में जरूर बताना।